क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी कहाँ से आए आप? टैंक रोड करोल बाग दिल्ली। क्या होता है आपको? मुझे पेन होता है पूरी बॉडी में, कहीं भी, जॉइंटों में। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर अर्थराइटिस बताते हैं इसे। मैंने आपको अभी तक हाथ लगाया नहीं। अभी आप कहाँ से आप आए? टैंक रोड करोल बाग। मेरे पास कौन सी बार आया? सातवीं बार। क्या आपको कुछ कमी आई है दर्दों में? हाँ, दर्दों में पहले बहुत कमी आई है। पहले जॉइंट में पेन होता था, रेडनेस होती थी, स्वेलिंग होती थी। हाँ। अब स्वेलिंग नहीं है, हल्की हल्की स्वेलिंग है, लेकिन रेडनेस भी नहीं है, दर्द में आराम है। तो क्या डॉक्टरों ने आपको बताया था कि आपको आर्थराइटिस है? हाँ, डॉक्टरों ने बताया था। कराए थे? हाँ, रिपोर्ट्स कराई थी मैंने, उन्होंने आर्थराइटिस बताया था मुझे। आर्थराइटिस में अथाह दर्द होता है और डॉक्टर कहते हैं कि आपको जन्म भर दवाई खानी पड़ेगी, ऐसे ही बताया था आपको डॉक्टर ने। कौन से हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा है? मैंने तिब्बिया कॉलेज में इलाज करवाया था। कॉलेज में? तिब्बिया, हमारे यहाँ तिब्बिया कॉलेज है, वो आयुर्वेदिक और यूनानी। हाँ, वहाँ से भी करवाया था, और एक पंजाबी बाग में है। क्या आपके इस सारी प्रक्रिया में कुछ पैसे भी खर्च हुए? हाँ, थोड़े बहुत खर्च हुए। जैसे? ये 2,500-3,000 रुपये खर्च हुए बस। हाँ, क्योंकि मैंने सरकारी में करवाया था, कुछ भी प्राइवेट में गया नहीं। अच्छा, सरकारी में भी कराया था? हाँ, प्राइवेट। फिर मैंने किसी डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई ली थी, जब मैं बिल्कुल ही खाट में लग गया था। हाँ, फिर थोड़ा सा खड़ा हुआ, फिर किसी ने पुड़िया बताई तो ये खाना शुरू करा। डॉक्टर ने कहा जिंदगी भर इलाज कराने। आप मेरे पास कितने दिन आ सकते हैं? मैं आपके पास आया हूँ 7 टाइम। और कितनी बार आ सकते हो? डॉक्टर तो जिंदगी भर बुला रहा था। मैं जब आप बुलाएंगे तब आ जाऊंगा मैं। और उसके बिना नहीं आएंगे? ठीक होने नहीं, नहीं, ठीक होने के बाद भी आ जाऊंगा। वहां से वहां तक चल के आइए जरा। मतलब डॉक्टर के यहाँ जिंदगी भर जाना मंजूर, मनु भैया के यहाँ आना मंजूर? नहीं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। कहाँ दर्द है अभी? पंजे में और हल्का सा कमर में है बस, हल्का सा। हाँ। जब मेरे सामने खड़े हुए थे जब कितना दर्द था? जब ज्यादा तेज दर्द था, ज्यादा तेज दर्द था। आप क्या नहीं कर पाते इस दर्द से? ऐसा दर्द से करने को तो बहुत कुछ करेगा, लेकिन ये दर्द असहाय कर देता है, बिल्कुल असहाय कर देता है। हाँ, मैं आपके दर्द से बात करता हूँ, आंखों में देखिए मेरी, मैं ठीक है ना? चलिए, इसको या तो खींच के लेके आइए, वरना इसको समझा दीजिए कि आज के बाद इस आदमी के अंदर आना नहीं है। ठीक है, इसकी मुक्ति कराइए, निकालिए इसको। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपने कुछ प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अंदर से कुछ प्रतिक्रिया आ रही है तो बात करेंगे। कोई प्रतिक्रिया आ रही है अंदर से? मैं आपके दर्द से बात कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है मैं आपके दर्द से बात कर रहा हूँ? आप दर्द तो नहीं है? दर्द तो आपसे अलग है, तो मैं दर्द से ही तो बात कर रहा हूँ, आपसे तो बात नहीं कर रहा। तो मैं आपके दर्द से बात करता हूँ कि आपको अब इसके अंदर नहीं आना है, अपनी मुक्ति करानी है। सीधे हाथ कीजिए, छोड़ दीजिए अपने शरीर को भगवान के भरोसे। ठीक है, प्रार्थना कीजिए मेरे साथ, बोलिए हे शनिदेव महाराज, हे शनिदेव महाराज, जो भी दर्द मुझे मेरे शरीर में कहीं भी ठहरा हुआ है, कहीं भी ठहरा, आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए, और अपनी जोत पर ले जाइए, अपने पूजा स्थल पर ले जाइए, शनि धाम में रख लीजिए, आपकी महत कृपा होगी, महत कृपा, और मेरे जीवन को सुखी बनाइए, और मेरे चल के आइए वापस। जी कहाँ दर्द है सोनू? पंजे में, इसी वाले में। कितना दर्द है? कम है थोड़ा, अभी आना है। ठीक है, अभी देखेंगे, अगर इसने हमारी बात सुन ली तो ठीक है, वरना तो फिर ये पिटेगा। जैसी आप क्या आगे ना, सब खुश रहिए, मौज करिए, आनंद कीजिए। जय शंकर। जय शंकर। आप कौन सी लाइन चाहते हैं ये भी बताइए।